और वहीं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के घुरारू प्रखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए जीतेगी और देश में 400 के पार मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी। तो वहीं उन्होंने परिवारवाद के बयान पर कहा कि परिवारवाद तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस का काम है। वो अपने मुंह ढकने के लिए ये बात बोलते हैं और तेजस्वी यादव और आरजेडी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक है। सीट एनडीए जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा घर घर जनता तक पहुँच रही है और लोगों के जीवन में खुशियाँ है, गरीब अपना मसीहा मानते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर वोट कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास है। माननीय प्रधानमंत्री जनता भैया परिवारवाद तेजस्वी जी आरजेडी का काम है, कांग्रेस का काम है, वो अपने मुंह ढकने के लिए यह सब बात बोलते हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के प्रतीक है तेजस्वी यादव आरजेडी। और कटिहार में मनिहारी विधायक के आवासीय कार्यालय के सभागार में इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने की है और इस मौके पर महागठबंधन प्रत्याशी तारिक अनवर ने भी शिरकत की। बैठक में प्रखंड के बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने इस बार के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने की सुझाव दिए। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी के झूठे वादे और बोल बच्चन से भी लोग वाकिफ हो चुके हैं। उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आज महंगाई चरम सीमा पर है और चाहे वो पेट्रोल डीजल की दाम हो या घरेलू गैस के दाम हो, सभी चीजों की महंगाई चरम सीमा पर है। कटिहार वासियों के लिए एक तो ये संदेश है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन को कामयाब करें। आज जो देश और बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ नीतीश जी हैं, लेकिन इन्हें इस डबल इंजन का फ़ायदा 17 साल में जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं कोई फ़ायदा बिहार को नहीं मिला है। आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ, 17 साल में कोई उद्योग नहीं लगा, कोई कल कारखाना नहीं लगा। आज भी बड़े पैमाने पर बिहार से और ख़ास तौर पर सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज से बड़े पैमाने पर पलायन